ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद रहित रहित रह जाए बिकारा रहणी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा। दुनिया दे जितने अवतारी पुरुष आए पैगंबरी पुरुष आए उन्होंने जो अपने अनुभव दे आधार ते परमात्मा दा मार्ग बनाया उस मार्ग दा नाम ही है रहत मर्यादा। इसनु दूसरे रूप च कह लो शरा या इसनु कह लो कर्मकांड। ये लाजमी है जैसे सड़क बनाई दी है पर सड़क देते चलन दे ट्रैफिक रूल भी नाले बनाने पैंदे ने, यातायात दे नियम भी नाले ही बनाने पैंदे ने। सड़क सोनी बन गई है, यातायात दे कोई नियम ही नहीं ने, ट्रैफिक रूल ही नहीं है, तो कोई मनुख सही ढंग नाल अपने मंजिले मकसूद ते पहुंच सके ये लाजमी नहीं। एक्सीडेंट होएगा, टकराव होएगा, कारण के रूल ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। इसी तरीके नाल विद्वाना ने ते परमात्मा दा दूजा नाम ही नियम मने है। ईश्वर की है एक नियम, ईश्वर की है एक मर्यादा। शायद इसे वास्ते ही त्रेते युग दे अवतारी पुरुष नूं जगत ने मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिता। जीवन एक मर्यादा है, प्रकृति एक मर्यादा है, ईश्वर एक नियम है। जो नियम नु समझ जाए वो परमात्मा नु समझ गया। जो मर्यादा दी पालना करे वो मनुख मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम होना बड़ा लाजमी है, बहुत जरूरी है। असी देखते हाँ एक मार्ग का नाम इस्लाम है पर इस्लाम ते चलन दे भी अपने नियम ने। उसनों प्रथम शरा कहिंदे ने, फिर तरीकत कहिंदे ने, फिर मार्फत कहिंदे ने, फिर हकीकत कहिंदे ने। इसे तरीके दे नाल असी देखदे हां सनातन मत दे इत्थे भी कर्म कांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है और इस दे चार वर्णा दे बकायदा अलग अलग रहित मर्यादा प्रणाली प्रचलित हुई। जैसे ब्राह्मण नो कहा गया है कि एक खटकर्मा दे अपने जीवन नो ढा ले, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना और यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण दे खट कर्म मन ले गए। शरा दे प्रवीण हो जाना ये मुसलमान दी होन तस्लीम कर ली गई। रहत मर्यादा दी पालना करनी इसी ते ही सिख धर्म खड़ा है, सिखी दी होंद खड़ी है, सिखी दा स्वरूप खड़ा है। वास्तविक मर्यादा की है, बस मैं इसे दा ही निखेड़ा करन लगा। गुरु मर्यादा दी रोशनी दे गुरु आशीर्वाद दी रोशनी दे, क्योंकि परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी जड़ी होंद बनाई है वो सूक्ष्म है, अस्थूल है, तन है, मन है। तो फिर तन दी अलग मर्यादा है, मन दी अलग मर्यादा है। तन सही ढंग दे नाल जगत दे चल सके मर्यादा है, मन सही ढंग दे नाल जगत देश विचर सके इस दी भी अपनी मर्यादा है और दोहां दे टिकाने भी अलग अलग ने, घर भी अलग अलग ने। तन दा घर शमशान है, मन दा घर भगवान है। तन दा घर कबर है, मन दा घर खुदा है। अक्सर ऐसा होंदा है
यात्रा अधूरी रह जाती है, तन कब्र तक पहुंच जाता है, मन खुदा तक नहीं पहुंचता। तन शमशान घाट तक पहुंच जाता है, मन भगवान दे घाट नहीं पहुंचता। अधूरा जमया सी, अधूरा जीवे है, अधूरा ही मर गया। एक गल वखरी है कि तिफल तसल्ली लोकी दे रहे ने, पूरा हो गया, पूरा हो गया, नहीं अधूरा रह गया। ये शमशान तक पहुंचे है, भगवान तक नहीं पहुंचे है। ये कब्र तक पहुंचे है, ये खुदा तक नहीं पहुंचे है। खुदा तक, भगवान तक, प्रभु तक मन ने पहुंचना है। और जीवन उस दिन संपूर्ण हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, जब मन प्रभु तक पहुंच जाए, परमात्मा तक पहुंच जाए। तन बिल्कुल सही ढंग नाल कब्र तक पहुंचे तो तन दी अपनी एक मर्यादा है। मन सही ढंग नाल भगवान तक पहुंचे, अकाल पुरख तक पहुंचे तो इस दी अपनी मर्यादा है। तो तन दी रहत है, मन दी रहत है, तन दी रहनी है, मन दी रहनी है। तन अस्थूल है, एदी रहनी भी, एदी रहत मर्यादा भी अस्थूल है। मन सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसदी रहनी एदी रहत मर्यादा भी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तन चूंके सामने दिखाई दे रहा है, प्रगट है, अस्थूल है, तो प्रथम अस्थूल रहत मर्यादा का ही जिक्र करिए। मन सूक्ष्म है, फिर सूक्ष्म रहत मर्यादा का जिक्र करांगे। तन दे च बनावट जिहड़ी परिपूर्ण परमात्मा ने बनाई है, उस दे च पंज तत्तां दी प्रधानता है। और सिर्फ पंज तत्त ही नहीं, ज्ञान इंद्रे भी पंज ने। सिर्फ ज्ञान इंद्रे ही पंज नहीं, शरीर भी पंज ने। अन्नमयी कोश, प्राणमयी कोश, मनमयी कोश, विज्ञानमयी कोश, आनंदमयी कोश। शरीर भी पंज ने, तत्व भी पंज ने, ज्ञान इंद्रे भी पंज ने, कर्म इंद्रे भी पंज ने। और फिर अगां चलिए, मनुख दे मन नू देखिए, मानसिक विकार भी पंज ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसा जापदा है कि इस ब्रह्मंड देच, इस पृथ्वी देच, जिथे असी जी रहे हैं, परिपूर्ण परमात्मा ने पंजा की गिनती नू प्रधान रख दिता है, सिरमौर रख दिता है। ते जे हत्थां पैरां दियां उंगलियां नू देखिए, ते ए भी पंज पंज ने। छेवी बनाईया जा सकदियां सन, चार भी हो सकदियां सन, पर ईश्वर ने पंज ही बनाईया ने। ज्ञान इंद्रे छे भी हो सकते सन, अठ भी हो सकते सन, पर पंज बनाए ने। तत् तीन भी हो सकते सन, दस भी हो सकते सन, पर पंज ही बनाए ने। कर्म इंद्रे भी पंज ने, मूल विकार भी पंज ने। इंज कह लो समो ब्रह्मंड पंजा की गिणती दे नाल ही जुड़िया होया है। पंजा की गिणती दे आश्रे ते ही सब कुछ जो है चल रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अकाल पुरख की इस मर्यादा नु समझदे होया, जानदे होया, सिख दी झोली दे च पंज ककार पाए, पंज बाणियां पाईया। तन दी रहत बाणा कहलाया, मन दी रहत बाणी कहलाई। इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने भी मुसलमान दी झोली दे च पंज नमाजां पाईया ने। हैरानगी दी गल, छे नमाजां दित्तियां जा सकदियां सन, अठ नमाजां लई आखिया जा सकदा सी, दो लई आखिया जा सकदा सी, पर उन्होंने भी पंज नमाजां ते ही मुसलमान दी होंद नू खड़ा कर दिता। मुसलमान जो नमाजी है और पंज वक्त दा नमाजी है, सिख जो पंज ककार दा धारनी है, पंज बाणियां दी रोजमर्रा नियम पूर्वक पाठ करन वाला है, पालना करन वाला है, ये सिख है। और जो रहत दी पालना करदा है, एक दिन उसका तन पावन हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। रहत रहत रह जाए बेकारा, रहनी दी रहत धारण करदिया करदिया एक दिन मनुख विकारां तो रहत हो जाता है।
और कलगीधर पिता ने साफ कर कह देता, जो रहत रख रहे है बस वही मेरा सिख है, दूसरा नहीं। पर जो रहत रख रहे है वो मेरा मालिक है, मैं उसका नौकर हाँ, मैं उसका सेवक हाँ। रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। इस रहनी नू, इस रहत मर्यादा नू जो शरीर दे तल दी है, पंज ककार कहिंदे ने, पंज कक्के। इनू भाई साहब भाई नंद लाल अपने आलमाना ढंग नाल बयान करदे ने। गजनी दे ए महान पंडित माधरी जबान परशियन सी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत अनन सिख। ए पंज ककारां बारे अपनी विचार इंज पेश करदे ने, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, कि हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। सिखी दियां निशानियां पंज काफ दे हरफां दे बंद ने, काफ परशियन उर्दू दी लिपि दा एक अक्षर काफ, पंजाबी च असी कहने कक्का का, इंग्लिश दे च के काफ कक्का कै। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, सिखी दी पहचान पंज निशानियां दे बंद हैं, और ये पंज निशानियां काफ अक्षर पहले है। शायद इसे वास्ते सिख जगत दे भी कह देने ने पंज कक्के, जे परशियन कहिए ते पंज काफ, ते जे इंग्लिश दे कहिए पंज के, पंज के पंज काफ पंज कक्के। निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ। इन्ना पंज काफां देच अगर एक काफ भी नहीं, तो ओ मनुख हरगिज माफी दा ख्वाहिशगार नहीं हो सकता, उनु माफ नहीं कीता जा सकता। ये पंज काफ केड़े ने, के हरगिज ना बाशद ई पंज माफ, कड़ा कार दो काच कंगा बिना, बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशा। कड़ा कार दो परशियन दे किरपान नू कार दो कहिंदे ने, किरपान दे अखरी अर्थ ने किरपा आन, दूसरे ते किरपा, दूसरे ते बख्शिश, दूसरे ते रहमत। किरपान दे च रहमत छुपी होवे, रहम दिली दे नाल इसदा इस्तेमाल होवे। किरपा आन दूसरे ते किरपा, दूसरे नू बचाना, दूसरे नू बचाण दे लई ए किरपान मयान चो निकले। तो ए कटार नहीं रह गई, ये चाकू नहीं रह गया, ये तलवार नहीं रह गई, ते किरपान हो गई। किरपा आन ए मयान चो कड्डी है दूसरे ते किरपा करन लई, दूसरे ते बख्शिश करन लई, दूसरे नू बचाण लई। जद कोई तलवार देश नू बचाण लई मयान चो कड़दा है, जद किसे मजलूम नू बचाण लई, किसे अबला दी असमत नू बचाण लई मयान देचों जद तलवार नू कड़दा है, तो तलवार तलवार नहीं है, किरपान दूसरे ते किरपा, किरपा आन दूसरे ते बख्शिश, दूसरे ते रहमत। पर जद यही गाथरे देचों कड़े अपने स्वार्थ की पूर्ति लई, दूसरे ते जुलम करन लई, तो ए हथियार है किरपान नहीं, एक शस्त्र है किरपान नहीं, ए तलवार है किरपान नहीं। किरपान ते उदों बनदी है जब दूजे की रक्षा लई होवे, अपने बचाव लई होवे, दूसरे का संघार करन लई नहीं, दूसरे नू मारन लई नहीं, दूसरे नू मिटाण लई नहीं, दूजे नू बचाण लई। जद भी दूजे नू बचाण लई इहदी वरतों होवे ए किरपान है, ते जद दूजे नू मारन लई इसदी वरतों होवे ए तलवार है, ए शस्त्र है, ए हथियार है। तो भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, के हरगिज ना बाशद
पंज माफ कड़ा कार दो काछ कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। सिखी दियां निशानियां इन्हां पंज काफ हरफां विच बंद ने कड़ा कार दो काच कंगा बिना बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान। इहदे चों सिरमौर केस लाड़े दी तरह जो रहत है वह केस ने। तो जैसे बरातियां दी शोभा लाड़े नाल बनदी है, कड़ा किरपान कंगा कछहरे दी शोभा केसा नाल बनदी है। केस सिरमौर ने, केस महान ने, केस प्रथम नंबर ते ने, प्रथम ने सिरमौर ने। और बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान, बिना केसा तो बाकी चार जुमला निशानियां ए चार ककारा परवान नहीं, कबूल नहीं। बिना केस हेच अस्त ई जुमला निशान साफ कह दिता है कि बिना केसा तो बाकी चार जुमला निशानियां परवान नहीं ने। तो केस सिरमौर ने, केस महान ने, केस कुदरत दी देन ने, प्रभु दी बख्शिश ने। इसका अध्यात्मक तत् नाल बड़ा संबंध है। इहदा शरीर दी खास करके सिर दी सुरक्षा दे नाल बड़ा संबंध है। शरीर दे सब तो नाजुक जगह सिर है, इंज कह लो सिर दे च ही सब कुछ है, सिर ही है। और मनुख दी पहचान इस सिर तो ही है। गर्दन तो कट दईए सिर परे सुट दईए, पहचानना औखा हो जाएगा ये धड़ किसदा है। हत्थां तो पहचान नहीं आउंदी, पैरां तो पहचान नहीं होवेगी, पिठ ते कमर तो पहचान नहीं होवेगी, मनुख दी पहचान उहदे सिर तो होवेगी। ये सिरमौर है, ये महान है, ये मुखी है। और केसां नूं शरीर विच परिपूर्ण परमात्मा ने सब तो उच्चा बनाया है, सब तो शिखर ते ने। अगर काया विच सब तो उपर कुछ है तो केस ने। और ये ऐसा ही नहीं कि अस्थूल रूप विच केस उपर ने, ये अपनी कुछ सूक्ष्मता भी रखते ने, ये अपनी कुछ बारीकी भी रखते ने। उस पद्धर दे च भी ये उपर ने, ये शिखर ते ने। जद भी कोई मनुख आत्म अभ्यास दे च बैठता है, नाम सिमरन करन बैठता है, वाहेगुरु वाहेगुरु दा जप करन बैठता है, ईश्वर अकाल पुरख दा रटन करता है, तो उस जप दे आसरे ते जिहड़ी शक्ति मस्तक दे जमा हुंदी है, केस उसकी सुरक्षा करदे ने। और वो रस वो शक्ति काफी समय तक सिर दे च रवे, केस हिफाजत करदे ने, केस सुरक्षा करदे ने। यही कारण है कि आदि काल तो आत्म अभ्यासियां ने केसा नाल प्यार कीता है। असी देखते हाँ हजरत ईसा दे सिर ते केस ने, मुहम्मद साहब दे सिर ते केस ने, हजरत अली केसाधारी ने। और फिर होर अगां चलिए, सनातन मत दे तमाम अवतारी पुरुष केसाधारी ने, तमाम ऋषि मुनि केसाधारी ने, चाहे विश्वामित्र ने, चाहे ऋषि विशिष्ट ने, चाहे दुर्वासा ने, चाहे कपल मुनि ने, चाहे कणाद ने, चाहे जैमिनी ने, चाहे व्यास ने, इस सब केसाधारी। सिख जगत दे दसों गुरु साहिबान केस नूं सिरमौर मनदे रहे। केसां विच किधरे उह शक्ति सूक्ष्म रूप विच आहिस्ता आहिस्ता निकले ना, तो दस्तार भी मदद करती है। यही कारण है कि आदि काल तो जब वेद पाठी वेद करण पाठ आरंभ करते सन, तो बड़े बड़े पगड़ सिर ते बन लेंदे सन, खास करके 20-20 गज दे पगड़, सिर नंगे। वेद पाठ दी ममानियत सी, सिर नंगा इस्लाम विच कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, सिर ते ढकना ही पएगा। और सिर नंगे हां सिख जगत विच कीर्तन कथा पाठ ममानियत है। क्यों? कि जो भोजन बनाया है
ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਰੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖੂਨ ਬਣੇ। ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਰਵੇ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਕਲੀ ਜੂੜੇ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੂੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਜੂੜੇ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨਕਲੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਸਿਰ ਦੇ ਜੋ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੂੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਜੂੜਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਕਣਾਦ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਾੜਾ, ਔਰ ਦਾੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀ ਥੋੜੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਾੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਵਕਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖੜਾ ਸਜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੌਲਤ 70% ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਔਰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਾਰੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਖੜਾ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਦਾੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਉਤਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਮੋਰਨੀ ਉਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਰ ਚਿੜਾ ਹੈ, ਚਿੜੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਰ ਤੋਤਾ ਜਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮਦੀਨ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੰਖ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੋਰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗਰਦਨ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਵਾਲ ਬਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਰਨੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾੜਾ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੋਰ ਦੇ ਪੰਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਮੁਰਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮੁਰਗੀ ਉਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਤਨਾ ਨਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਮਦੀਨ ਉਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਦੀ ਮਦੀਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਦੀਨ ਇਸਤਰੀ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਿੱਚ। ਕੇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ
द्वापर युग के अवतारी पुरुष श्री कृष्ण, उन्हां दे बाल सखा मित्र सन सुदामा जी। प्रलवद अनुसार श्री कृष्ण ते द्वारका दे राजा बने, पर सुदामा मुफलिस रह गया, गरीब रह गया। एक दिन भुख नाल बिलखदी हुई पत्नी भुखे बच्चियां नू देख के एक अणखीला ब्राह्मण सोची पै गया। पत्नी ने प्रेरिया, थोड़ा मित्र द्वारका दा राजा है, वक्त दा अवतारी पुरुष है, जाओ तुसी उसदे कोलों कुछ मंग के लियाओ। पर ए ऐसा ब्राह्मण सी, अणखीला सी, वाकई जद कुछ मंगी है तो मंगदे ही मनुख मंगता हो जाता है, और मंगते दा कोई माण नहीं, मंगते दी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मंगते दा कोई सम्मान नहीं, बल्कि बड़ा सुंदर अखाण है गुरु नानक दा, मंगण गया सो मर गया, मंगण मूल न जाए। लेकिन मुफलसी और भुखमरी ने इतना मजबूर किया, सुदामा मंगण ली चला गया। जब द्वार ते पहुंचे है ते द्वारपाल ने इसके फटे पुराने कपड़े देख के नु घृणा दी निगाह नाल देखिया, ते जद कहा मैं कृष्ण दा बाल सखा मित्र हां, मैनू अंदर जान दो। तो खैर द्वारपाल अंदर जाके पुछदा श्री कृष्ण नु, थोड़े बाल सखा मित्र आए ने। तो पुछया ना की है, द्वारपाल ने कहा ना ते अपनाओ, सुदामा दसता है। पर भगवन कमाल दी गल है, सीस पगाना उदे सिर ते पग नहीं है, सीस पगाना जगा तन पै प्रभ, जाने के आए बसे कहे गामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, पैर पाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो दिज दुर्बल भेक, रहो चक सो बसदा अब रामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ये नाम सुनदिया ही श्री कृष्ण उठे और दूरों देख के दंडौत की। भाई गुरुदास जी लिखते ने, दूरों देख दंडौत कर, छड सिंघासन हर जी आए, पहले दे पर दखना पैरी पै के लै गल लाए, परिक्रमा की थी, चरना ते नमस्कार की थी, फिर पुछे कुशल प्यार कर, गुरसेवा दी कथा सुनाए, चरणों दुकले पैर धोए, सिंघासन ऊपर बिठाए, अपने सिंघासन ते बिठाया, रुकमणी नु आखिया दस्तार पगा थाल दिच लियाओ। उस सोने दे थाल दिच पगड़ी लेके आई और श्री कृष्ण सुदामे दे सिर ते बंदे पहने, हालांकि उसके तन ते जगह भी नहीं सी, पैरां दे जुत्ती भी नहीं सी, इसकी फिक्र नहीं की थी, सिर दी दस्तार दी फिक्र की थी। उस दिन तो बाद जगत दे दस्तार बंदी संत लोग करदे आए ने, महापुरुष करदे आए ने, गुणी जन जो है करदे आए ने, पग ते इज्जत है, और किसी की बेइज्जती हो जाए कह देते ने इहदी पग लै गई। पग धार्मिक लिबास है, पग ईश्वरी लिबास है, और मस्तक सिरमौर है, केस ते दस्तार परिपूर्ण परमात्मा की एक बख्शिश समझ लेनी चाहिए। अजीम ककारा दे चों केस सिरमौर ने जपदियां जपदियां नाम की शक्ति जो मस्तक दिच जमा होती है, केस उसकी रक्षा करते ने, केस सहायक ने। जैसे तस्वीर सुभायमान है, शीशे करके सिख की मूर्ति प्रगट होती है, केसा करके केस सिरमौर ने, केस महान।